हम जहाँ पे थे मेरे ख्याल से किसी के बैकग्राउंड में बहुत किसी की आवाज बहुत आ रही है, जरा देखो अमनदीप कौन का है, नाम, चेक करो। अमनदीप का ये अमनदीप कौन है? ये रमनदीप, ये तो म्यूट है, अमनदीप म्यूट है। चंद्राई, चंद्राई को, चंद्राई को करो म्यूट, चंद्राई को करो। कर ली, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए अब एकदम साफ आवाज। अच्छा जी, हाँ, तो हम एनिमल इंस्टिंक्ट पे थे, तो एनिमल इंस्टिंक्ट की जरूरत और मतलब क्यों हमें एनिमल इंस्टिंक्ट को स्टडी करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से ये हम सब समझ गए हैं। और एक एक्टर के लिए क्यों जरूरी है ये भी शायद आप लोग समझ गए। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत कुछ करते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, मेजर से लेके स्टैंडर्ड्स की लेके, लेकिन हमारे जो बेसिक हैं वो कहीं ना कहीं, और ये मेरा मानना है कि स्टैनिस्लाविस्की या माइजनर या किसी को, स्ट्रासबर्ग को ले लीजिए, उससे भी हजारों साल पहले से नाटक हुआ हुआ करता है और अभिनय करते आए हैं अभिनेता। शेक्सपियर से लेके, इब्सन से लेके, किसी ने भी इनको सोच के नहीं लिखा है अपना नाटक कभी। लेकिन एक अभिनेता चाहे वो ग्रीक थिएटर ले ले, वहां से लेके कंटेम्पोररी थिएटर ले ले, ये बात बहुत जरूरी है कि अपने सेंसेस पे जो काबू करना है वो, और दिमाग के वजह से जो एनालिसिस करना है वो हमेशा करता आया है। इसीलिए जो एक एक्टर होता है वो बहुत ही अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, लेकिन वो सोच आती कहाँ से है? हम कहते हैं दिल से करो, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा दिल यहाँ पे है, हम दिमाग से ही करते हैं, और वो दिमाग में तब तक कुछ नहीं जाएगा जब तक आप अपने इनपुट को, इनपुट मैकेनिज्म को ओपन नहीं करेंगे। और जब हम ओपन करने की बात करते हैं तो अटेंटिवनेस की बात करते हैं, कितना अटेंशन आप सब देते हैं, साथ में कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो क्या वो कंसंट्रेशन ऐसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही है, या उसके बारे में आप उसको सोच रहे हैं कि ये शब्द ऐसे बोला क्यों बोला? जब आप क्यों जो जो होता है वो जब सवाल करते हैं, वहां से आपकी भी खोज शुरू होती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंसानी फितरत है खोज करना, इस खोज को आप हमेशा बरकरार रखेंगे, और ये जरूरत है, हर एक एक्टर की जरूरत है खोज करना कि क्यों है, कैसे है, अगर ऐसा है तो वैसा भी क्या हो सकता है, और अगर ये कह रहा है तो इसके कितने मतलब निकल सकते हैं, और जितने मतलब निकलेंगे उसी से आपका रिएक्शन निकलेगा। अब हम आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन तब निकलता है जब आप किसी के एक्शन का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसी से आपका रिएक्शन निकलता है, अदरवाइज आप रिएक्ट नहीं करेंगे। किसी के या किसी माहौल के या किसी हालात पे आप रिएक्ट करते हैं, उसके स्थिति पे आपका रिएक्ट करना निर्धारित होता है। तो जब आप रिएक्ट करते हैं, जो कि अभिनय के 70% हम रिएक्ट ही करते हैं, उससे ज्यादा ही हम, हमारा पूरा रिएक्शन पे है, मोर देन एक्शन इट इज रिएक्शन। तो वो रिएक्शन किस हालात पे हो रहा है या किसके तहत हो रहा है, उसके लिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने अटेंटिवनेस आप मेंटेन कर रहे हैं, और कितना आप उसके साथ साथ कितना आपका कंसंट्रेशन लेवल है। आपका शरीर तो तना रहता है, जैसे डायरेक्टर कहेंगे कि इस तरीके से खड़े होंगे, लेकिन क्यों खड़े हैं? दिमाग आपका नहीं कहेगा तो आप उस तरीके से खड़े हो ही नहीं पाएंगे। और फिर भाग के जाना है, क्यों जाना है, माहौल क्या है, आग लगी है इसीलिए भाग रहे हैं, तो वो आग लगने का रिएक्शन अगर ना समझ के सिर्फ आप एक्शन पे जोर दे कि हाँ मेरे को भागना है, तब वो भागना कहीं ना कहीं आपका अपने तरीके से उसका रिएक्शन नहीं है, और तब हम कहते हैं कि ये तो बनावटी है। नेचुरल एक्टिंग कुछ और नहीं है,
नेचुरल एक्टिंग है बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को समझ के करना। कोई ऐसा नहीं है कि नेचुरल एक्टिंग है, हम नेचुरल कर रहे हैं, अरे वो तो बहुत बड़ा नेचुरल एक्टर है। शरीर के, दिमाग के, सेंसेस के जो नेचुरल प्रोसेस है उसको समझ के अभिनय करने से, जो मैंने सेंसिटिविटी की बात की थी, वो दिमाग जब आकलन करके आपको उतना ही करने को बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, तब आप देखेंगे कि वो नेचुरल ही है और उस पे आपका विश्वास रहेगा। एक एक्टर का विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसी से हम सूत्र लेके कहते हैं कि विश्वास पे पहुंचते हैं, जो कि बिलीफ, एन एक्टर्स बिलीव, यही होता है। हम कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो सच है, दैट इज द ट्रूथ, हालांकि सारा कुछ फिक्शन है। तो ये ट्रूथ कैसे है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू से हम जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली जिस प्रोसेस से नेचुरली जा रहे हैं वो नेचुरली कर रहे हैं, वो सच्चाई ही हो सकती है। तो फिक्शन को भी तब्दील करते हैं हम सच्चाई में, और उसी तरीके से स्टेज पे हम विश्वास करते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वही सच है। और जब आप सच को बोल रहे हैं तो आप में झिझक नहीं होगी, आपको विश्वास है आप सच बोल रहे हैं तो आपको झिझक नहीं होगी। और वो झिझक कभी कभी एक्टर का दिखता है, स्ट्रेस दिखता है, ये दिखना बंद हो जाएगा। तो ये जब दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये कोई एक बात नहीं है कि बस हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन इतनी सारी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी उस मोमेंट में वो झिझक या वो कॉन्फिडेंस लाने की। और कॉन्फिडेंस भी उतना ही जितना जरूरी है, क्योंकि सेंसिटिविटी वही कहती है, सेंसिबल ब्रेन ने आपको निर्देश दिया है बॉडी मैकेनिज्म को वही तक लेके जाने के लिए। और उसको अगर आप मायरहोल्ड के बारे में पढ़े, उनके बायोमैकेनिकल स्किल्स के बारे में जो चर्चा की है मायरहोल्ड ने, तब आप देखेंगे कि उसपे इन्होंने बहुत डिटेल्ड में इसी की स्टडी करके, फिर वो जब वापस गए स्टैनिस्लाविस्की के इंस्टीट्यूट में, वहां पे लागू किया, तब जाके माइंड एंड बॉडी के ऊपर एक्सरसाइजेस शुरू हुई, नॉट ओनली बॉडी बट माइंड एंड बॉडी एंड बायोमैकेनिकल स्किल्स के इम्पोर्टेंस बढ़े, जिसको हम कहते हैं मायरहोल्ड्स बायोमैकेनिकल स्किल्स ऑफ एन एक्टर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप में से किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में। मनोहर हाँ, मनोहर आपको कुछ सवाल पूछना है? हाँ हाँ सर, ये आपने कहा था ये कंसंट्रेशन जो है हम लोगों को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, तो सर ये कंसंट्रेशन जो है इसको सर हम लोग कैसे जो है और मजबूत कर सकते हैं? देखिए, मजबूत करने के लिए आपके पहले जो मैंने दो चीजें जो कही, एक है सेंस और एक एनिमल इंस्टिंक्ट। अपने आप पे बोझ मत आने दीजिए उस बात के आपके परवरिश कैसे हुई, आप कैसे बड़े हुए, किस सोच के साथ बड़े हुए। आप अपने सोच को डेवलप करिए। अपने सोच को डेवलप करने के लिए देखना, सुनना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है, इसके मायने निकालना बहुत जरूरी है। इसके मायने आप किस तरीके से निकालते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। कोई जब एक कविता लिखता है या लिखती है तो उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, सिर्फ वो शब्द नहीं होते। तो जो आप देख रहे हैं क्या वो वही है, या कुछ उसके और मायने निकल सकते हैं, या क्या उसके इमोशनल वैल्यूज हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि हम किसी को भी देख के या कुछ भी अवस्था में हम सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, उससे आप दूर हटिए। ये तो ऐसा ही है, वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है।
एक्टर नॉलेज के बेसिस पे काम करता है, जो आपका ब्रेन एनालिसिस कर रहा है उसके बेसिस पे। तो जो जब आप अपने नॉलेज के बेसिस पे अपना निष्कर्ष निकालेंगे तब जाके आपकी ये आदत बन जाएगी, तब जाके आप क्रिएट कर पाएंगे। जो मैंने कहा कि आप एनालिसिस करके जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो आपका अपना इंडिविजुअल क्रिएशन है। और किसी के जहन में जवाब मिला? हेलो, कौन? हाथ रेस करो। हाँ, अमनदीप। अमनदीप, अरे बहुत आवाज आती है तुम्हारे बैकग्राउंड में, तो क्या है? कहाँ सर? पूछो। चलो कोई बात नहीं सर। हाँ सर, मेरा हेलो नमस्ते सर, मेरा सवाल ये था, अभी आपने रिएक्शन की बात की, तो मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें कैरेक्टर की माँ मर चुकी है, तो अभी उस सीन को करने के लिए मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अपने मतलब तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ ऐसी घटना हुई है तो उसको सोच के मतलब वहां पे रिएक्ट करो, बट अगर हम अगर हमको वहां पे रिएक्शन करना है तो बार बार अगर उस घटना को सोचेंगे तो सर फिर वो इमोशंस नहीं आते, तो सर उसके लिए क्या करें? पहले तो इसको आप, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर ऐसी घटना घटी ही ना हो तब क्या करेंगे? सपोज ऐसी घटना घटी ही ना हो आपके जिंदगी में, मैंने ये कहा इमोशनल कोशेंट्स जो है उसका इमोशनल रेफरेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझ रहे हैं? तो इमोशन को पहले इस तरीके से जोड़ेंगे, इमोशन को घटना से जोड़ेंगे, घटना को इमोशन से नहीं, कि वो इमोशन एक लॉस क्या होता है, जो मैं कल भी मैं बोल रहा था कि हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना होता है। लॉस जो होता है, ह्यूमन लॉस, एक बहुत ही एक संवेदनशील एक हालात है, कोई भी ह्यूमन लॉस, क्या हम उसमें सिंपैथेटिक है, हमारी एम्पैथी है, क्या हम उसको समझ भी पाते हैं? और अगर हम समझ पाते हैं तो वो ह्यूमन लॉस एज अ होल अगर हम समझेंगे तब उसको हम उस इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे, नॉट दैट लॉस ऑफ अ मदर और लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट लॉस एज अ होल। वो अपने आप में एक चले जा आपको लिए वो अपने से अपना और उसका मतलब निकालना, ताकि जो स्टैनिस्लाविस की जो इमोशनल मेमोरी या सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं उसमें उसको अगर आप लाइब्रेरी की तरह ले और उस लाइब्रेरी में किताबें बढ़ाते जाए तब क्या होगा कि जो किताब आपको चाहिए आप लेके पढ़ के करेंगे, लेकिन किताबें ही नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। और अब ये जो सेशन है 3:50, 45 सेकंड का है, तो इसको दोबारा आप लोग ना वापस कनेक्ट कर लीजिएगा अपने आप, आपको तरीका मालूम ही है। हाँ निलय भाई। हाँ मैं हूँ जी। हाँ, जी हाँ, हाँ कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा स्क्रिप्ट पे पहुंच जाते हैं, अपने कैरेक्टर पे पहुंच जाते हैं। हमें जो जरूरत है, पहले मैं ऐस बोल रहा हूँ, मैं बस हम और हम उस जैसे एक सिंगर के लिए क्या होता है, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, लेकिन बहुत कट कर आ रही है, शायद कवरेज का प्रॉब्लम है आपकी तरफ से। सारे लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, किसी को नहीं? नहीं सर, बीच में ऐसा स्लो मोशन में हो जा रहा है। हाँ स्लो मोशन हो जा रहा है।
हाँ नीलो भी आ रही है। हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ मैं वही कह रहा था कि तो इसको हम अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं, हमें इसको एज एन एक्टर्स डेवलपमेंट के तरह से लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास स्क्रिप्ट क्या आएगी। हेलो, हाँ कोई और सवाल? किसी की तरफ से और कोई सवाल? राकेश, आश्री, चंद्राई, सूर्या, श्री, श्री 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 का सवाल करेंगे। चलो हाँ श्री पूछो। जी सर। हेलो, हेलो, बोलो श्री। श्री बोलिए आप। थोड़ा तेज, जैसे कि किसी के लाइफ, हाँ थोड़ा लाउड आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी श्री। नहीं लाउड, ठीक है, हल्की आवाज है। चलो ठीक है। सर मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया कि अगर एक घटना किसी एक्टर के लाइफ में नहीं है, तब हम इमोशन वाइज कनेक्ट करें और हम इमोशनल जो फैक्टर है उसको ध्यान में रख के अपने कैरेक्टर को, कैरेक्टर पे वर्क करें। हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, लेकिन अगर फर्ज कीजिए एक ऐसा सिचुएशन हो जो एक एक्टर के लाइफ में हुआ है, पहले हुआ है, तब वो स्टेज पर उस कैरेक्टर को करते समय कैसे जो पुराना जो घटना उसका घटा है उसको अलग रख करके उस कैरेक्टर को निभाए, वो कैसे कर सकते हैं सर? क्योंकि जनरली क्या होता है हमारे दिमाग में वो जो हुआ हुआ होता है। नुरेदा, ये सेशन वापस ज्वाइन होने के बाद जवाब दीजिए, ये खत्म होने वाला है, सबको रिज्वाइनिंग करेंगे भी। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। पूछो राशि जल्दी, नहीं तो कट जाएगा। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो यार। सर, चलो सर, सर पूछ। सर आप एनिमल इंस्टिंक्ट्स को स्टडी करने के लिए बोले हैं,